हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प पे। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे बच्चे की हरी पॉटी के बारे में। जी हाँ, आपके सबके घर में एक नवजात शिशु होता है, ठीक है ना? तो कभी ना कभी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, या फिर हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आपके सामने ये प्रॉब्लम आए, अगर आप अभी तक माँ नहीं बनी है या बनने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैं आज जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैंने खुद भी उस चीज़ को नोटिस किया है, जाना है किस कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी, जिसमें हमारा टॉपिक है बच्चों की हरी पॉटी क्यों आती है। अब किस एज के बच्चे की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ जो बच्चे 0 से 6 मंथ तक की, जो नवजात शिशु होते हैं, 6 महीने तक के बच्चे होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा या कि आपके बच्चे की हरी पॉटी क्यों आ रही है? कभी कभी हम इतने वरिड हो जाते हैं कि ऐसा क्या है, कहीं हमारे बच्चे ने कुछ गलत तो नहीं खा लिया है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, बच्चे की हरी पॉटी क्यों आ रही है, और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो जो मेरी जानकारी है आपको बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री हो जाइए कि अगर आपका बच्चा हरी पॉटी कर रहा है तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल होता है। इसके कई रीज़न है कि हरी पॉटी क्यों करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन, अगर आपका बेबी गाय का दूध ले रहा है तब उस कंडीशन में भी बच्चे को हरी पॉटी आना संभव है, पॉसिबल है, ठीक है, अगर गाय का दूध लेता है। दूसरा, माँ के ब्रेस्ट फीड पर भी ये डिपेंड करता है कि माँ जो खाना ले रही है, खा रही है, उसके कारण भी कभी कभी बच्चे का जो पॉटी का कलर है वो हरे रंग का हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका जो मेन रीज़न में जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे अक्सर हरी पॉटी करते हैं, कभी कभी आपने देखा कंटिन्यू हरी पॉटी करते हैं वो, तो हम क्या समझना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इस कंडीशन में? देखिए, एक साइंटिफिक फैक्ट है, आप सभी जानते हैं कि सबके पेट में गॉल ब्लडर होता है लिवर के पास। सब जानते हैं कि जो हमारा गॉल ब्लडर है, जो वाइल रस निकालता है, वाइल रस एकदम निकालता है खाने को पचाने के लिए। अब छोटे बच्चों के कंडीशन में क्या होता है कि वो दूध पीते हैं, सिर्फ 6-7 महीने तक के बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं या फॉर्मूला मिल्क पीते हैं, तो जो उनका जो डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है बहुत फास्ट होती है। वो दूध पीते हैं और तुरंत थोड़ी देर बाद ही वो उनका जो मिल्क है वो डाइजेस्ट हो जाता है और वो टॉयलेट कर देते हैं, ठीक है। और जो बड़े लोग होते हैं उनमें ये जो प्रोसेस होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग। अब हम जानते हैं कैसे करते हैं, वाइल रस के कारण ही बच्चे की पॉटी हरी कैसे आती है। देखिए, जो वाइल रस होता है वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो जो बच्चों की ट्रांजिट पावर कम होती है, क्या होती है, बच्चों की ट्रांजिट पावर कम होती है, और जो वाइल रस होता है वो क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब करता है, खाने को रीऑब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ही वो निकलता है। लेकिन बच्चों के केस में ऐसा नहीं हो पाता है कि बच्चों के जब जो उन्होंने दूध पिया वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो गया, तो जो बाइल एसिड होता है वो उसको खाने को या दूध को रीऐब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो ग्रीन कलर के रूप में साथ ही डाइजेस्ट हो जाता है बहुत जल्दी से। तो उसके कारण बच्चे की जो पॉटी है वो कैसे दिखाई देती है, ग्रीन ग्रीन। और बड़े लोगों में क्या होता है कि खाना खाते हैं वो, हम काफ़ी खाना खाते हैं और हमारा खाना बहुत देर से पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो आराम से जो बाइल एसिड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बड़ी आँत में। लेकिन छोटे बच्चों के कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता है, बाइल एसिड रीऐब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसके कारण बच्चे की पॉटी का कलर हरे रंग का होता है। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपके शायद समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, हमारे बच्चे की पॉटी का कलर बहुत ग्रीन ग्रीन आ रहा है। तो इसमें अब आप समझ गए हैं कि बिल्कुल भी मत घबराइए, ये जेन्युइन है और ये बच्चे की पॉटी ऐसे ही आएगी, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है वो दूध पीता है, फिर उसका खाने की प्रोसेस बढ़ती जाती है, फिर हम उसे सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी पॉटी का कलर चेंज होता रहता है, ठीक है ना।
तो अगर अगर आपका बेबी ग्रीन पॉटी कर रहा है तो आप बिल्कुल भी अब टेंशन ना लें। ये ऐसा छोटे बच्चों के साथ होता है क्योंकि वो गाँव का दूध पीते हैं, ब्रेस्ट फीड भी करते हैं, फॉर्मूला मिल्क भी लेते हैं, तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाने की वजह से जो वाइल एसिड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और घबराइएगा नहीं, ये आपके बच्चों के साथ कॉमन है, हर बच्चे के साथ कॉमन है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट लिखिए। अगर और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिए और प्लीज़ चैनल पर अगर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।